भाजपा ने होली के दिन यूपी से लोकसभा चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटे हैं। इन्हीं में से एक हैं रामशंकर कठेरिया। 2009 से ताजनगरी में लोकसभा सीट पर रामशंकर कठेरिया ने ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रखा था। एक बार फिर से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। कठेरिया की जगह भाजपा ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को संसदीय चुनाव में उतारा है। आगरा आरक्षित संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा गार्ड भी रहे हैं। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में पशुधन मंत्री के तौर पर काबिज है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक वक्त सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा गार्ड रहे हैं। मुलायम ने उनकी क्षमता को देखते हुए 1998 में पहली बार संसदीय चुनाव में उतारा था। उसके बाद से बघेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में उनकी मुलायम से अनबन हो गई। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर उनके पैतृक ग्राम उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भटपुरा में खुशी का माहौल है। गांववासियों ने उनके कैबिनेट मंत्री बनने पर जमकर आतिशबाजी चलाई और महिलाओं ने मंदिर में मंगल पर गीत गाए। सत्यपाल सिंह बघेल राजनीति में एसपी सिंह बघेल के नाम से लोकप्रिय हैं। उनकी इकलौती बहन श्रीमती पद्मा है। उनके पिता रामभरोसे सिंह मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात थे, इसी वजह से सभी भाई बहनों की पैदाइश मध्य प्रदेश में ही हुई है। सत्यपाल सबसे छोटे हैं। उनकी पैदाइश मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित यशवंतराव होलकर अस्पताल में हुई। पिता रामभरोसे खरगोन से रिटायर हुए, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा सभी मध्य प्रदेश में ही हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती होने के बाद सत्यपाल को पहली अहम जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का सुरक्षा गार्ड बनने की मिली। 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद बघेल मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा चक्र में शामिल हो गए, लेकिन अपनी निडरता मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी दिल जीत लिया। मुलायम सिंह यादव ने उनको जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 1998 में पहली बार उतारा और वह जीते। उसके बाद दो बार सांसद चुने गए। बहन पद्मा खुश हैं कि भाई को उनकी मेहनत और उनके बहनोई पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह का कहना है कि बघेल शुरुआत से कुछ कर गुजरना चाहते थे, इसलिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसा अहम ओहदा उन्हें मिला। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी दी। 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा से सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के पुत्र के सामने चुनाव लड़े, हालांकि वह यह चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा ने उन्हें पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और इस बार वह टूंडला सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक बने। प्रोफेसर बघेल पिछड़ा वर्ग का चेहरा हैं और उनकी इस वर्ग पर पकड़ भी है। जलेसर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सपा सांसद रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा में शामिल हो गए थे। चुनाव में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ दम दिखाने पर बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए। उस समय वह बसपा से राज्यसभा सदस्य थे और 2 साल का उनका कार्यकाल शेष था। भाजपा और संघ के बड़े टीएच नेताओं से बघेल की नजदीकी बढ़ती गई। विधानसभा चुनाव आने पर आगरा और अलीगढ़ मंडल में बघेलों के साथ साथ निषाद, लोधे और कुशवाह वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने टुंडला सीट से बघेल को विधानसभा चुनाव लड़ाया। बघेल मुख्यतः पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन बघेल की उपजाति गरिया अनुसूचित जाति में शामिल है। पिछड़ा वर्ग का चेहरा होने के बाद भी अनुसूचित जाति के उनके प्रमाण पत्र ने चुनाव में तुरुप के पत्ते का काम किया। हालांकि उनके प्रमाण पत्र पर काफी हंगामा भी हुआ, शिकायतें भी हुई, लेकिन पत्रावलियां उनके पक्ष में थी, लिहाजा बघेल सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़े टीएच और जीत गए। बघेल को भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। चुनाव में बघेलों के गढ़ में चुनावी सभा कराने के लिए बघेल को पार्टी ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया। फिरोजाबाद जिले की 5 सीटों के साथ साथ आगरा की सीटों और अलीगढ़ मंडल की सीटों पर भी बघेल के प्रभाव का पार्टी ने आंकलन किया। बघेल को पहले चरण में मंत्रिमंडल में स्थान देकर उन्हें मेहनत का तोहफा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।